राजेंद्र नगर में एक दुखद घटना हुई, जहां एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। जैसे ही इस घटना का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची और जायजा लिया। इस दुखद घटना को देखते हुए एमसीडी कमिश्नर को मैंने एक लेटर लिखा, जिसमें निर्देश दिए कि दिल्ली में जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, जो जितने भी एमसीडी के नियम और कानून हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं, उन सब पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, जो परसों घटना हुई उसके जितने भी जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। कल ही एमसीडी ने अपना एक्शन शुरू किया और राजेंद्र नगर में एक सीलिंग ड्राइव चलाई, जिसमें 13 कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया। आज भी राजेंद्र नगर में सीलिंग ड्राइव हुई, जहां 6 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सील किया गया, साथ ही एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई। आज मुखर्जी नगर इलाके में भी सीलिंग ड्राइव हुई और साथ ही जो परसों की जो घटना हुई राजेंद्र नगर में, उसके जिम्मेदार ऑफिसर्स जेई को टर्मिनेट किया और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। और आज परसों की घटना को देखते हुए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें एमसीडी कमिश्नर को बुलाया गया, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को बुलाया गया और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया गया और साफ निर्देश दे दिए गए कि दिल्ली में चलने वाले जितने भी ऐसे अवैध कोचिंग सेंटर्स हैं जिनके पास एमसीडी के जितने भी बायलॉज हैं उनकी परमिशन नहीं है, जितने भी नियम कानून हैं उनको उल्लंघन कर रहे हैं, उन सभी कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन लिया जाए और किसी भी कोचिंग सेंटर को बख्शा ना जाए और किसी भी प्रकार की जो लापरवाही है वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी। दूसरा, अगर कोई भी अधिकारी ऐसी घटना में जिम्मेदार पाया जाएगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।